नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए समुचित व्यवहार संबंधी जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की। देशवासियों से कोरोना के खिलाफ एकजुट होने की अपील। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर 85.25% हुई। प्रधानमंत्री कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन में आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य भाषण देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वायुसेना कर्मियों को बधाई दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। कोविड 19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ किया। आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने हमेशा मास्क लगाने, हाथों की साफ सफाई रखने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्धाओं के समर्पण से शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है। श्री मोदी ने कहा कि हमें अपने प्रयासों की गति बनाए रखनी होगी और इस घातक संक्रमण से लोगों का बचाव करना होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने, हाथ धोने और सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील की। श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्र सामूहिक संकल्प और अनुशासन के जरिए कोविड 19 को हराने के लिए एकजुट है। उन्होंने कहा, हम मिलकर लड़ेंगे, हम जीतेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई के जन आंदोलन में सभी से सहभागिता करने की अपील की है। ट्वीट के माध्यम से आज श्री शाह ने कहा, कोविड 19 जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ तभी लड़ाई जीती जा सकती है जब सभी देशवासी एकजुट रहें। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे भारत को कोविड 19 से मुक्त करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी का पालन करने और हाथों को बार बार धोकर अपने को कोविड 19 से बचाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस अभियान में समाज के सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। जब दवा नहीं है और जब वैक्सीन नहीं है तो एक ही सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच की एक त्रिसूत्री है, मास्क, सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना। ये 3 सूत्रों पर हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है और यही त्रिसूत्री बचाव के बारे में एक जन आंदोलन शुरू होगा। लोगों के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर, पोस्टर, स्टिकर्स लगेंगे। जहां भी लोग काम के लिए जाते हैं ऐसे सभी जगह ये एक जन चेतना की मुहिम चलेगी। सोशल मीडिया में भी कैंपेन चलेगी। पूरी देश की सभी संस्था, समाज के मान्यवर लोग और बाकी भी सामान्य जनता इसमें शामिल होगी। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर 85.25% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 83,011 रोगी इस संक्रमण से ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 58,27,704 लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ने से संक्रमित लोगों की दर 13.20% रह गई है। वर्तमान में देश में 9,02,425 सक्रिय मामले हैं। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट नीति के प्रभावी रूप से लागू होने से स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर कम हुई है। देश में मृत्यु दर 1.54% है। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 68,35,655 हो गई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 971 मरीजों की इस वायरस से मौत होने से अब तक 105,526 रोगियों की इस संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 11,94,000 नमूनों की जांच की गई, अब तक कुल 8,34,00,000 जांच की जा चुकी है। सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों से कोविड 19 से बचाव के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड 19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड 19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। लोकगीत नाटिकी जानी मानी कलाकार तीजन बाई ने भी लोगों से कोविड 19 से बचाव के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। घर से बाहर ज्यादा मत निकलो। सबसे जरूरी है हाथ धोना, साथ साथ में हाथ बिना धोए नाक मुंह मत छुआ। 10 जन 12 जन एक साथ मिलेंगे नहीं सके, कम से कम 1 मीटर दूरी होके काम करे। दुकान भी में कोई लाइन लगे है तो दूरिया दूरिया में रह के काम करो और मुंह बांध के चलो। मैंने घर में रहो तो कोई बात नहीं, बाहर में थोड़ा भी निकलत हो तो अपन मुंह बांध लेवाओ और बांध के निकलो। यही हमारे मन के आप मन से प्रार्थना है, गुजारिश है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 1,896 नए मामले आने के साथ ही राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,06,644 हो गई है। कल 50,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई और 2,067 लोगों के ठीक होने के बाद स्वस्थ होने की दर 86.65% हो गई है। अब तक 1,79,075 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 12 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 1,201 हो गई। कर्नाटक में कल 10,947 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में मरीजों की संख्या 6,68,652 हो गई है। कल राज्य में कोरोना से स्वस्थ हुए 9,832 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। राज्य में इस बीमारी से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 5,42,906 हो गई है। राज्य में कल 1,04,368 कोविड टेस्ट किए गए, जो एक रिकॉर्ड है। राज्य में अब तक 55,24,302 लोगों की जांच हो चुकी है। इस महामारी से 9,574 लोगों की मौत हुई है। ओडिशा में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर 89% हो गई है। राज्य में अब तक 2,13,672 लोग संक्रमण मुक्त हो गए हैं। कल 2,995 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,40,998 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कल से कोविड 19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार ये अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कोविड कवच ऐप बनाया है। ये ऐप कोविड 19 से मुक्त रोगियों की विभिन्न समस्याओं में मदद करेगा। एक रिपोर्ट। कोविड 19 से उभरने वाले लोग रक्त के थक्के, सांस लेने में कठिनाई, गुर्दे की बीमारी जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे लोगों को राहत देने के लिए कोविड कवच ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप पर ऐसे लोग अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ SMS के जरिए उन्हें सलाह देंगे। प्रत्येक अस्पताल में ऐसे मरीजों का मार्गदर्शन करने के लिए एक विशेषज्ञ भी तैनात रहेगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने कहा कि कोविड मरीजों पर नजर रखने, समय पर उनका निदान करने और उनका इलाज करने के लिए इस ऐप का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी डीन और डॉक्टरों से इसके लिए पहल करने की अपील की है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं को रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने की अनुमति देने का निर्णय किया है। कल जारी अधिसूचना के अनुसार जिलों के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या नगर निगम कुछ शर्तों के साथ निजी प्रयोगशालाओं को इस जांच की अनुमति देंगे। दिल्ली में कल 2,871 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या अब 2,98,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक कोरोना से संक्रमित 2,70,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी में कल 3,370 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए और 35 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,616 हो गई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गाजियाबाद के मोदी नगर में आईनॉक्स ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र में प्रतिदिन 150 टन उत्पादन की क्षमता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना से कोविड 19 से निपटने में मदद मिलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकारें कोविड 19 के फैलाव को रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड संक्रमण के बेहतर इलाज के लिए जरूरी है कि 72 घंटों का ऑक्सीजन का बैकअप मौजूद रहे और इस प्लांट से कोविड के बेहतर इलाज के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। इस प्लांट में 1000 टन ऑक्सीजन के भंडारण की क्षमता है जो कि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के सभी राज्यों के लोगों को लिक्विड ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये प्लांट सरकार के राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने की नीतियों का भी परिचायक है। इस प्लांट के लिए समझौते पत्र पर 2018 में इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। विश्व बैंक ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान है। कोविड 19 महामारी के कारण हुए राष्ट्रीय लॉकडाउन से परिवारों तथा कंपनियों की आय पर पड़ी मार के कारण जीडीपी में गिरावट आ सकती है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक से पहले दक्षिण एशिया अर्थव्यवस्था पर केंद्रित विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र के वृद्धि दर में 2020 में 7.7% की गिरावट आ सकती है, जबकि पिछले 5 वर्ष में वृद्धि दर सालाना 6% के आसपास रही है। विश्व बैंक ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां बाधित होने से वर्ष 2021 तक पूरी दुनिया में 15 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी की चपेट में होंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड के कारण इस वर्ष 8 करोड़ 80 लाख से 11 करोड़ 50 लाख तक अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी के दायरे में आ जाएंगे और वर्ष 2021 तक ये संख्या 15 करोड़ तक पहुंच जाएगी। बांग्लादेश ने कहा है कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त कोविड 19 वैक्सीन ही स्वीकार करेगा। कैबिनेट सचिव खान दाकेर अनवारुल इस्लाम ने कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि सरकार वैक्सीन पर काम कर रहे सभी देशों और संगठनों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि वैश्विक टीका और टीकाकरण गठबंधन के तहत भी बांग्लादेश वैक्सीन प्राप्त करने का पात्र है। इस गठबंधन की बैठक को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जून में संबोधित किया था। बांग्लादेश में कोविड 19 से जुड़े मामले बढ़ रहे हैं। कल संक्रमण से 35 लोगों की मौत हो गई और 1520 नए मामले सामने आए। अब तक 5440 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है और 3,73,000 से अधिक लोग इससे संक्रमित हुए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सफदरजंग अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी इस चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है 0112331444। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। कोविड 19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए समुचित व्यवहार संबंधी जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की। देशवासियों से कोरोना के खिलाफ एकजुट होने की अपील। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर 85.25% हुई। प्रधानमंत्री कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन में आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य भाषण देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वायुसेना कर्मियों को बधाई दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम कनाडा में आयोजित होने वाले इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य भाषण देंगे। इस मंच का उद्देश्य कनाडा के व्यापारी समुदाय को भारत में निवेश की संभावनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी देना और उपलब्ध अवसरों के बारे में बताना है। इस सम्मेलन में उड्डयन, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण कंपनियों, बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश निधियों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफगानिस्तान की उच्च राष्ट्रीय सुलह परिषद के अध्यक्ष डॉ अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकात की। श्री मोदी ने भारत अफगान संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन है। इसे देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और उनके समर्थक बड़ी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में इकट्ठा हुए। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 28 अक्टूबर को होगा। एक रिपोर्ट। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार, वर्तमान सरकार में मंत्री जय कुमार सिंह, राम नारायण मंडल और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रमुख उम्मीदवार हैं। इधर नए चुनावी समीकरणों के कारण कई मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों को अपने टिकट से हाथ धोना पड़ा है। इसके कारण पहले चरण में बागी उम्मीदवारों में भी बढ़ोतरी हुई है। रामेश्वर चौरसिया, सुनील पांडे, उषा विद्या श्री भगवान सिंह कुशवाहा और कुछ अन्य नेताओं ने अपने अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन दाखिल किए हैं। एक अन्य घटनाक्रम में जनता दल यूनाइटेड ने वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट उपचुनाव में दिवंगत सांसद वैद्यनाथ महतो के पुत्र को चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय किया है। सुनील कुमार यहां से पार्टी उम्मीदवार होंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव में 68 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए हैं। इसके बाद अब कुल 94 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। चुनाव के लिए नाम वापस लेने का कल अंतिम दिन था। निर्वाचन आयोग ने कोविड के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए आगामी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। आयोग ने कहा है कि संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 40 के स्थान पर 30 होगी। गैर पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए संख्या 20 के स्थान पर 15 रहेगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आज कहा कि वायुसेना ने अपनी दृढ़ता और संचालन क्षमता तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी विपरीत स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने की प्रतिबद्धता दर्शाई है। आज वायुसेना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में श्री भदौरिया ने कहा कि वायुसेना ने किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अल्प सूचना पर सभी आवश्यक तैनाती की है। श्री भदौरिया ने कहा कि वायुसेना ने थल सेना की सहायता के लिए तैनाती के लिए सभी आवश्यक साजो सामान और अन्य मदद सक्रियता से उपलब्ध कराई है। देश की उत्तरी सीमा पर हाल के सैन्य टकराव का उल्लेख करते हुए वायुसेना प्रमुख ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करने पर सैनिकों की सराहना की। The evolving threat matrix in our region is becoming complex, ranging from aspirational adversaries with huge investment in military arsenal to those collusively supported by non-state actors. Apart from growing subconventional threats emanating from terrorism and cyberspace, disruptive technologies and easy access to low-cost options like drones are increasingly demanding greater attention to the subconventional domain. The recent induction of state-of-art Rafale, Chinook and Apache aircraft have added significantly to our combat capability over our adversaries in the battlefield. कोविड 19 महामारी की स्थिति पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि सैनिकों की प्रतिबद्धता से वायुसेना पूरी तरह से बड़े पैमाने पर अभियान चला सकी। उन्होंने कहा कि वायुसेना ने फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए परिवहन हेलीकॉप्टर तैनात किए थे। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। गाजियाबाद के हिंडन में वायुसेना अड्डे में वायुसेना दिवस परेड और अलंकरण समारोह में विभिन्न विमानों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध आकाशगंगा दल के जाबाज जवानों ने ध्वज के साथ वायुसेना के विमानों से करतब दिखाए। फ्लाईपास्ट में विंटेज विमान, आधुनिक परिवहन विमान और अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान शामिल हुए। शानदार हवाई करतब के साथ समारोह सम्पन्न हुआ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर वायुसेना के सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि रफाल, अपाचे और चिनूक को शामिल करने के साथ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भारतीय वायुसेना को और भी अधिक सामरिक बल देगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश के वायु सैनिक उत्कृष्टता और साहस के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने युद्ध और शांतिकाल दोनों में देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बहादुर योद्धा न केवल देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना की 88 साल की यात्रा समर्पण, त्याग और उत्कृष्टता की रही है। ये आक्रामक और अजय मानी जाती है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान देशभर में अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति में उड़ान योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में आज मीडिया को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि विदेशों से लगभग 2000 टन चिकित्सा उपकरण और अन्य चिकित्सा सामग्री का आयात किया गया और भारत ने 30 टन से अधिक सामग्री का अन्य देशों में निर्यात किया। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के जरिए देशभर में कुल 940 टन माल की आपूर्ति की गई। गुजरात सरकार ने मौजूदा शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए स्कूलों की ट्यूशन फीस में 25% कटौती की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के शिक्षा विभाग के अनुसार ये कटौती गुजरात माध्यमिक और उच्च शिक्षा बोर्ड तथा राज्य के अन्य बोर्ड के तहत सभी स्ववित्त पोषित स्कूलों के लिए लागू होगी। एक रिपोर्ट। गुजरात सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्कूल द्वारा चालू शैक्षिक वर्ष में ट्रांसपोर्ट या अन्य किसी भी प्रवृत्ति के लिए फीस नहीं ली जाएगी। अभिभावकों को पिछले वर्ष की फीस और चालू शैक्षिक वर्ष के पहले हिस्से की 50% फीस इस महीने के अंत तक भर देने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने सेल्फ फाइनेंस विद्यालयों को फीस भरने में असमर्थ अभिभावकों को राहत देने के लिए कहा है। सरकार ने पूरी फीस एक साथ देने के लिए दबाव नहीं बनाने और फीस किस्तों में लेने के लिए भी कहा है। फीस भरने में देरी के लिए कोई भी विद्यालय दंड या जुर्माना नहीं लगा सकेंगे। अगर अभिभावकों ने पूरे साल की फीस भर दी है तो 25% की छूट अगले शैक्षिक सत्र में एडजस्ट करनी पड़ेगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के तहत चालू वित्त वर्ष में व्यय के लिए आवंटन राशि बढ़ा दी है। संशोधित आवंटन के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 760 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जबकि पिछली बार 390 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी। इसमें से 300 करोड़ रुपए विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के पैकेज के लिए निर्धारित किए गए हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान ने त्वचा के कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटिक नैनो फाइबर से बना बैंडेज विकसित किया है। इस महत्वपूर्ण बैंडेज के विकास में बायोसिस्टम्स विज्ञान और अभियांत्रिकी केंद्र और मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन विभाग के शोधार्थियों ने भी मदद की है। एक रिपोर्ट। मैग्नेटिक बैंडेज को लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में 2 प्रयोग किए गए। इससे यह साबित हुआ है कि बैंडेज की मदद से कैंसर सेल्स को खत्म किया जा सकता है। इससे ये भी मालूम हुआ है कि इसके लगाने से टिश्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रयोग में शामिल हुए शिल्पी जैन का कहना है कि नैनो फाइब्रस मैग्नेटिक बैंडेज एक नावीन्यपूर्ण चिकित्सा पद्धति है जिससे स्किन कैंसर पर काबू पाया जा सकता है, मगर उनका मानना है कि अभी ये बाल्यावस्था में है और अधिक अध्ययन बाकी है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूरल जेंडर चैंपियंस क्लब ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र में स्थित सुदूर गांवों की 15 महिलाओं को ग्रामीण जेंडर चैंपियन के रूप में चुना है। तिरुवरुआर नामक क्लब की इस अनूठी पहल में महिलाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्त्री पुरुष भेदभाव के खिलाफ वातावरण तैयार किया जाएगा। ये महिलाएं कोविड-19 से निपटने के लिए मास्क के प्रयोग, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और चेहरे तथा हाथों की सफाई के महत्व के बारे में भी लोगों को जानकारी देंगी। तमिलनाडु में पंपन द्वीप को रामेश्वरम में मुख्य भूमि से जोड़ने वाले ऐतिहासिक पंपन पुल पर रेल सेवा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। मदुरई रेलवे मंडल ने बताया है कि मरम्मत कार्य के कारण 2 किलोमीटर लंबे इस पुल पर रेल यातायात बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पंपन में नए पुल पर कार्य का उद्घाटन किया था। पंपन पुल पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सहकारी बैंकों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण पर 2% ब्याज छूट की योजना अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है।
आरबीआई ने कहा कि योजना केवल दो वर्ष के लिए घोषित की गई थी, लेकिन अब इसे वित्त वर्ष 2020-21 तक विस्तारित कर दिया गया है। आरबीआई ने बताया कि सभी सर्वाधिक ऋणों और 1 करोड़ रुपए तक की कार्य पूंजी पर योजना लागू होगी। जीएसटी के लिए पात्र इकाइयों के लिए उद्योग आधार नंबर की अनिवार्यता छोड़ी जा सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट्स नॉर्थ ईस्ट डायरी, ग्लिम्पसेस ऑफ द न्यूज ऑफ द वीक फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ऑल अबाउट द रीजन, अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, द डेवलपमेंट्स एंड द डेस्टिनेशंस टू लुक फॉरवर्ड टू। न्यूज फ्रॉम द आर्ट, कल्चरल एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऑल दिस एंड मोर एवरी थर्सडे 5:30 to 6 p.m. in the evening on 100.1 All India Radio FM News Channel. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना किंग्स इलेवन पंजाब से होगा। कल रात अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 167 रन बनाए। 168 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 5 विकेट पर 157 रन ही बना पाई। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पेत्रा क्वितोवा लौरा सिगेमोन को हराकर महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला सोफिया कैनिन से होगा। एक अन्य मैच में ईगा स्वीतोक ने मार्टिना त्रेविसन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में ईगा का मुकाबला नादिया पोदरोस्का से होगा। पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में राफेल नडाल का सामना डिएगो स्वार्ट्जमैन से होगा। अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में नोवाक जोकोविच और सित्सिपास आमने सामने होंगे। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने बताया है कि विभाग शीघ्र ही तूफान की चेतावनी के लिए एक अत्याधुनिक व्यवस्था शुरू कर रहा है। रिमोट सेंसिंग की भारतीय समिति द्वारा विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के एक हिस्से के रूप में आयोजित चेंजिंग द साइक्लोन्स कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि तूफानों से दुनिया भर में आधारभूत ढांचे को बहुत नुकसान होता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 28 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। शहर में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान साफ रहने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आसमान आमतौर पर साफ रहने का अनुमान है। लद्दाख में भी आसमान साफ रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। तापमान 7 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। देहरादून में तापमान 18 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन कोविड-19 से निपटने में असफल रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इतिहास में कोई भी सरकार इस तरह के मामलों में कभी इतनी बुरी तरह नाकाम नहीं रही। रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार माइक पेंस के साथ उपराष्ट्रपति पद की बहस के दौरान सुश्री हैरिस ने यह बात कही। वन्यजीव सप्ताह कल सम्पन्न हो गया। यह पहली अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश में इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए समुचित व्यवहार संबंधी जन आंदोलन अभियान की शुरूआत की। देशवासियों से कोरोना के खिलाफ एकजुट होने की अपील। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 85.25% हुई। प्रधानमंत्री कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन में आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य भाषण देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन।
भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वायुसेना कर्मियों को बधाई दी है। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।